एवरी वन आज हम पढ़ेंगे कैंथेरिस मेडिसिन को एलेंस की नोट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंथेरिस वैसिकोटोरिया का पूरा नाम है और एनिस फ्लाई से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं और कैंथेरीडी इसकी फैमिली है या एक बहुत ही अच्छी रेमरी है यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ साथ फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए तो चलिए फिजिकल जनरल से स्टार्ट करते हैं एलन से ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल पार्ट्स ठीक है सारे ही पार्ट्स जो होते हैं सारा ओवर सेंसिटिव होता है पेशेंट हेमरेज फॉम नोज माउथ इंटेस्टाइन जी एंड यूरिनरी वर्क ठीक है हेमरेजिक रेमेडी है सारी पार्ट्स जो है सबसे हेमरेज निकलता है ब्लड निकलता है पेन देखेंगे तो पेन का कैरेक्टर कैसा होगा रो सूर बर्निंग इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो पेन का कैरेक्टर रहेगा उसके साथ साथ रोनो रोनस रहेगी सोरनेस रहेगी साथ में बर्निंग रहेगी पूरी बॉडी में इंटरनली प्लस एक्सटर्नली विद एक्सट्रीम वीकनेस साथ में बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस देखने को मिलेगी डिस्गस्ड फॉर एवरी थिंग ड्रिंक फूड एंड टॉबेको ठीक है हर चीज़ के लिए उसको क्या हो गया डिस्गस्ड हो गया है ड्रिंक्स के लिए फूड के लिए टॉबेको के लिए ड्रिंकिंग एवन अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वॉडर इंक्रीजिंग द पेन इन अ ब्लैडर ठीक है थोड़ा सा भी उसने पानी पिया तो उसको पेन कहाँ होगा यूरिनरी कंप्लेन से तो ब्लेडर में उसको पेन होगा जी आई टी सिम्टम देखते हैं तो स्टूल कैसा होगा वाइट और पील रेड ठीक है स्टूल कैसा पास होगा व्हाइट और रेड कलर का टफ म्यूकस लाइक ए स्क्रैपिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन विथ स्ट्रीक ऑफ ब्लड ठीक है स्क्रैपिंग हो रही है इंटेस्टाइन निकल रही है उसमें और प्लस जो ब्लड है उसके स्ट्रीक मिलेंगे ठीक है कुल मिला के डिजेंट्री के सिम्टम्स है ये सब अब आ जाते हैं मेन यूरिनरी सिम्टम पे तो जो कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट ठीक है बार बार उसको अर्ज है मतलब बार बार वॉशरूम जाना है यूरिन पास आउट के लिए बट पासिंग अ बट अ फ्यू ड्रॉप्स एट अ टाइम जब भी जाएगा तो थोड़ी सी ड्रॉप ही वो क्या करेगा पास आउट कर पाएगा विच इज़ मिक्सड विद ब्लड जो कि ब्लड के साथ मिक्स रहेगी यूरिन मतलब हेमेचूरिया की कंडीशन है यहाँ पे सडन डिजायर टू यूरिनेट यहाँ पे क्या होगी सडन एकदम से डिजायर होगी यूरिनेट की विद इंटेंस ईचिंग एन यूर तो पेट्रोसालिना मेडिसिन है लेकिन कॉन्स्टेंट डिजायर है तो अपनी कैंथर मेडिसिन है ठीक है अब देखते हैं इंटोलरेबल अर्जिंग बहुत ही तेज अर्ज होता है उसको बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन के पहले भी ड्यूरिंग यूरिनेशन और बाद में भी वॉयेंट पेन होगा उसको ब्लेडर में बर्निंग कटिंग पेन इन यूरिथ्रा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन मिक्चुरेशन के टाइम पे उसको क्या होगा बर्निंग कटिंग पेन होगा यूरिथ्रा में वॉयेंट टेनिसमस होगी और स्ट्रैंगी स्ट्रेंगूरियो क्या होती है जलन या फिर सोरनेस जो हो जाती है यूरिनरी पे, पेसेज में द बर्निंग पेन इंटोलरेबल आर्जिंग टू यूरिनेट जो बर्निंग पेन होगा वो भी इंटोलरेबल हो गया है आर्जिंग टू यूरिनेट है इज द रेड स्ट्रेंड है कैंथेरिस का है इन ऑल इंफॉर्मेटरी इफेक्शंस ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं हम तो ब्लडी नॉक्चूरनल इमेशंस देखने को मिलते हैं तो ब्लडी नॉक्चुरल इनिमेशंस में लेड लेड uh, और मक और पेट्रोलियम भी एक रेमेडी है ब्लडी नॉ पेट्रोसेनम भी एक रेमेडी है नॉक्चुरल इमेजेंस के लिए सेक्शुअल डिजायर इंक्रीजेज इन बोथ सक्सेस प्रिवेंटिंग स्लीप ठीक है और वॉयलेंट प्रियापिज्म होता है विथ एक्सेसिव पेन ठीक है प्रियापिज्म होता है मतलब स्पाजम्स प्लस एक्सेसिव पेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पिकरिक एसिड भी एक मेडिसिन है एक्सेसिव पेन की प्रियापिज्म के साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेन देखते हैं तो टेनिशियस म्यूकस इन एयर पेसेज ठीक है जो रेस्पिरेटरी पेसेज है उसमें हमको टेनिशियस म्यूकस देखने को मिलेगा बोविस्टा और कालीबाइक्रोमियम भी रेमेडीज है कंपेयर करेंगे हम कैंथेरिस को इफ वैसिकल सिम्टम्स क्रॉसपोन्ड ठीक है जो वैसाइकल बना है अगर वो कैंथेरिस के सिम्टम्स को क्रॉसपोन्ड कर रहा है तो हम लोग इसमें कैंथेरिस इंडिकेट हो सकती है उसको कंपेयर करेंगे स्किन देखेंगे तो स्किन में वैसिकुलर रप्शंस होते हैं रिसिपल्स होते हैं वेसाइकल्स बनते हैं वेसाइकल का कैरेक्टर क्या होगा ऑल ओवर द बॉडी विच आर सोर एंड सपोरेटिंग ठीक है पूरी बॉडी पे होंगे जो कि सोर भी होंगे सपोरेटिंग भी होंगे ये फॉर्म एक्सपोजर टू सन रेज सन रेज के कारण जो रिदमा होगा मतलब देखा जाए तो बेसिकली सनबर्न ठीक है फर्स्ट डिग्री सनबर्न में हम लोग इसको दे सकते हैं बहुत ही अच्छी रेमेडी है कैंथेरिस ठीक है फ्रॉम सम एक्सपोजर टू सन रेज बर्न एंड स्कैल ठीक है बर्न और स्कैल के लिए भी हम लोग दे सकते हैं रिलीव बाय कोल्ड एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीव होगा बर्न बिफोर ब्लिस्टर फॉर्म ठीक है बर्न हुआ है ब्लिस्टर नहीं बना है उसके पहले तुम लोग ऐसी कंडीशन में कैंथरिज दे सकते हो दे हैव फॉर्म जो भी बना ही है इफ द स्किन इज ब्लिस्टर इज फॉर्म वेन हैव फॉर्म इफ द स्किन बी अनब्रोकन ठीक है अगर स्किन क्या है सॉरी अनब्रोकन है अप्लाई एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एनी पोटेंसी अगर कैंथेरिस की कोई भी पोटेंसी है उसकी अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम लोग लगा सकते हैं कवर विद कॉटन एंड दिस विल प्रमोट रिलीव पेन एंड ऑफन प्रिवेंट वेसिकेशंस इफ़ स्किन इज ब्रोकन यूज इन अ बोल्ड एंड स्टील वाटर एंड ईच केसिस गिव अ पोटेंसी इंटरनली ठीक है अगर पेशेंट जो है उसको क्या हुआ है बर्न हुआ है अभी लेकिन स्किन ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप कोई भी पोटेंसी इसी कॉटन स्वैब में लेकर उसको लगा सकते हो जो कि पर्निंग को रिलीव करेगी और फादर जो जैसे कि वैसाइकल बनने वाला है उसको भी प्रिवेंट कर देगी अगर लेकिन स्किन ब्रेकआउट हो गया है तो आप उसको डिस्टील वाटर के साथ दे सकते हो इंटरनली भी तो ये थी स्किन सिम्टम कैंथेरिस के रिलेशन में देखते हैं तो ये सिमिलर है एपिसमेलिफिका आर्सेनिक इक्वेसिटम और मार्कसोल की ये थी पूरी रेमेडी आ, अपनी कैंथेरिस वैसिकुलर जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है फर्स्ट डिग्री ब्रॉन प्लस यूटीरानी सिम्टम्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग